मॉडलिंग सेशन कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट आप देखेंगे मैश ऑप्शन है यहाँ पे, तो मैश ऑप्शन का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल एक बॉक्स यहाँ पे लिया, क्लिक करके आप ड्रैग कर लिए, कोई भी एक डायमेंशन का आप बॉक्स बना लीजिए। देन आपको इसमें स्मूथ करना है, इट मीन्स आप जो बॉक्स के एजेस देख रहे हैं आपको ये स्मूथ करना है, हल्का सा फिलेट लेकर आना है इसमें। तो इसके लिए आप स्मूथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करें, स्मूथ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद एंटर करिए, तो आप देखेंगे हल्के से इसके एजेस कर्व्स हो गए हैं। और भी ज़्यादा आपको स्मूथ चाहिए तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके पास स्मूथ मोर ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले स्मूथ ऑब्जेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, आफ्टर दैट ही आप स्मूथ मोर और स्मूथ लेस का यूज़ कर सकते हैं। सो स्मूथ मोर आप क्लिक करिए अगेन, उस पर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करिए एंड देन एंटर प्रेस करिए। अगेन जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो फिर से वही कमांड आता है, पहले भी आप यूज़ कर चुके हैं तो फिर से आप एंटर यूज़ कर सके, क्लिक करके एंटर करिएगा, अगेन एंटर यूज़ करके क्लिक करके एंटर करिए, अगेन आप स्मूथ एक बार क्लिक करके एंटर करिए, अगेन एंटर एंड क्लिक एंड एंटर, अगेन एंटर क्लिक एंड एंटर, देखेंगे एक बार फिर से हम लोग स्मूथ अप्लाई करते हैं। लास्ट जहाँ तक वो स्मूथ हो सकता है वहाँ तक होगा, आफ्टर दैट वन और मोर मैशेज इज करंटली सलेक्शन वी स्मूथ अगेन, एक बार फिर से वो स्मूथ नहीं कर सकता, लास्ट जितना वो स्मूथ कर सकता था उतना स्मूथ आपको यहाँ पे वो कर कर दे। ओके नेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा स्मूथ हो गया है तो उसके लिए आप यहाँ पे स्मूथनेस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। स्मूथनेस ऑप्शन आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद सेलेक्ट मैश पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए एंड देन एंटर प्रेस करिए, तो आप देखेंगे ये स्मूथलेस हो गया हल्का सा। नेक्स्ट अगेन आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो क्लिक करिए एंड देन एंटर, इस तरह से वो रेगुलरली अगर आप अप्लाई करते जाते हैं तो ये स्मूथलेस होता जाएगा एंड लास्ट आपको जो फाइनल आपका ऑब्जेक्ट है वहाँ तक वो आपको बना कर देगा। नेक्स्ट हमने यूनियन देख लिया है, यूनियन ऑप्शन आपको मालूम है कि कोई भी टू या थ्री ऑब्जेक्ट्स अगर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर सिलेंडर है या इससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं एंड देन मैं अगर यूनियन अप्लाई करना चाहूँ तो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट मैंने क्लिक किया एंड देन एंटर किया। अगर आप मैश और सिंपल ऑब्जेक्ट को करना चाहते हैं यूनियन तो कन्वर्ट सेलेक्ट एंड स्मूथ ऑब्जेक्ट अगर आपको करना पड़ेगा, नेक्स्ट आप देखेंगे। अब आप जब क्लिक करेंगे तो ये क्योंकि मैंने एक बार स्मूथ उसमें अप्लाई कर दिया है इसलिए वो आफ्टर स्मूथ होने के बाद ही वो यूनियन होगा। अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को करता है तो ऑप्शन आपको नहीं देगा, डायरेक्ट वो यूनियन कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे सब्ट्रैक्ट का, सब्ट्रैक्ट ऑप्शन का यूज़ फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉक्स अगेन बनाया, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल बॉक्स एंड देन अगेन यहाँ पे एक मैं सिलेंडर रेडी करती हूँ, ये मैंने सिलेंडर मैंने यहाँ तक सिलेंडर बनाया। अब मुझे इसे कट करना है तो इसे कट करने के लिए मतलब इस सिलेंडर को माइनस करना है इस बॉक्स से, तो इसके लिए आप सब्ट्रैक्ट ऑप्शन का यूज़ करिए। पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जो ऑब्जेक्ट आपको बचा के रखना है, तो मैंने उसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया एंड देन सब्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट को, सब्ट्रैक्ट जिसके थ्रू आप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए एंड देन एंटर प्रेस करिए, तो आप देखेंगे ये सब्ट्रैक्ट हो गया है। मैं आपको ड्रैग करके शो करती हूँ, इस तरह से ये कटिंग्स जो थी वो कटिंग आपको मिल गई है जो नॉर्मल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक डेप्थ आता है यहाँ पे, ये देखिए एक सर्कल का रेडियस आ रहा है यहाँ पे एंड देन आपको ये सिंपल कट आ रहा है। ओके इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन विच मीन्स आपको कॉमन ऑब्जेक्ट बचा के रखना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोन यहाँ पे ले लेती हूँ, कोन मैंने ड्रॉ किया। अब आप देखेंगे इंटरसेक्ट जब मैं करती हूँ तो ऑब्जेक्ट आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करिए, जिन ऑब्जेक्ट्स को आपको सेलेक्ट करना है टोटल ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन एंटर प्रेस करिए, जो इंटरसेक्शन चीज़ें रहेंगी तो इंटरसेक्ट होने के बाद जो कॉमन चीज़ें रहेंगी जो इंटरसेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट रह जाता है। अगेन आप देख सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को आप एक बार में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, आप इससे वन और मोर ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं एंड देन देखिएगा इसमें जो भी कॉमन ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो आपको शो करेंगे। फिर से मैं तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करती हूँ एंड देन एंटर करती हूँ तो ये आपको शो करेंगे। ओके कंट्रोल जेड करने के बाद इसी में नेक्स्ट है आपका इंटरफेयर।